हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड का चूरा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये तवा को हमने मीडियम गरम कर लिया है। ये हमने व्हाइट ब्रेड लिया है। आंच को हम बिल्कुल मध्यम रखेंगे ताकि हमारे ब्रेड के स्लाइसेस अच्छे से सिक जाएं। आंच अगर ज़्यादा तेज रहेगी तो हमारे ब्रेड्स ज़्यादा क्रिस्प नहीं होंगे और जल भी जल्दी जाएंगे, इसीलिए हम आंच को एकदम मध्यम रखेंगे। तो एक साइड हम टर्न कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है एक साइड। तो दूसरी साइड भी हम टर्न कर लेंगे। इसी तरह हम दो तीन बार अलट पलट के दोनों साइड्स को अच्छे से सेक लेंगे। ब्रेड हमारा बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए और जलना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा ब्रेड क्रिस्प नहीं होगा तो हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमारे ब्रेड बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से तोड़ लेंगे। हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो ये हमने सभी ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ लिया है। अब हम इसे मिक्सर में डाल देंगे और अच्छे से एक दो बार चला के हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ब्रेड क्रम बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा ब्रेड क्रम्स बनके तैयार है। इसी तरह आप भी घर पे आसानी से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड ब्रेड टोस्ट से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।